तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था, तगड़े हिफाजती इंतजाम इस वक्त वहां पर है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और जितने उनके समर्थक हैं, उनके हामी हैं, इस वक्त जेल के बाहर मौजूद हैं। और ये देखिए, मनीष सिसोदिया काफी खुश नजर आ रहे हैं जेल से बाहर आने के बाद। जमानत उन्हें मिल गई है और आज ही सुबह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत उन्हें दी, और अब वेव करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे में सुबह से ही जश्न का माहौल है, सेलिब्रेशन चल रहा है, मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। और अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 18 महीने जेल में गुजारने के बाद अब वो बाहर निकले हैं, और जो एक खुशी और रौनक उनके चेहरे पर साफ नजर आती हुई हमें नजर आ रही है। हालांकि इन 18 महीनों में बहुत कोशिश उन्होंने की लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया। इस वक्त स्वागत हो रहा है मनीष सिसोदिया का, और साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं 18 महीनों के बाद जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं, कार्यकर्ताओं में खासी खुशी इस बात की है। अभिनय टोकस इस वक्त में साथ है। जी आज कितना बड़ा दिन लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों, कैसे? बहुत 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 मनीष सिसोदिया, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी मनीष सिसोदिया बाहर निकले, और उसके बाद जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित कर रहे हैं अपने। तो मनीष सिसोदिया यहां पर खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं जेल से बाहर आने के बाद। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके हामी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो जेल के बाहर मौजूद हैं और काफी कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ वो कहते हैं, और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से मजबूती देने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। और जेल के दौरान जब वो अंदर थे तब भी उन्होंने ये बात साफ कही थी कि सच्चाई कभी हार नहीं सकती है, और इसी तरह की बातें हम आज सुबह से ही देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो एक अलग ही खुशी का माहौल इस वक्त जेल के बाहर हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, और सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत इस दौरान पेश ना आए, क्योंकि काफी तादाद में भीड़ है यहां और हर कोई अपने फोन से कैप्चर करना चाह रहा है मनीष सिसोदिया को यहां पर, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो काफी खुश हैं। मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आ गए हैं, और आज हमने देखा सुबह जब यह खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है मनीष सिसोदिया को, तो आतिशी भी काफी भावुक होती हुई नजर आई, और उनका भी यही कहना था कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वहीं इसके अलावा सुनीता केजरीवाल का कहना था, उन्होंने भी पोस्ट करके इस बात पर अपनी खुशी जताई थी और कहा था भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। तो मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही खुशी की लहर। जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं, और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे बेल मिली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसी संविधान की ताकत से हमारे